हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम कुछ कॉमन इरर्स करते हैं जो 1986 से लेके और 2021 तक जितना भी कॉमन इरर्स आया हो, हम कोशिश करेंगे कि सारा कॉमन इरर्स करवाएं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। His car is more bigger than, इस क्वेश्चन को देखिएगा, His car is more bigger than, His car is more bigger than that of any of us। और लास्ट में दिया गया है no bigger, लास्ट में दिया गया है no bigger। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ His car is more bigger लिखा, एक रूल होता है, देखिएगा, यदि एक ही एडजेक्टिव की सेवा में, यदि एक ही एडजेक्टिव की सेवा में डबल कॉम्पिटेटिव डिग्री आता है तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे अगर हम लिखेंगे ही इज मोर टॉलर देन आर, तो ये सेंटेंस गलत सही होगा। ही इज टॉलर देन आर, यदि एक ही एडजेक्टिव की सेवा में डबल कॉम्परेटिव डिग्री आएगा तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। मतलब एक ही एडजेक्टिव की सेवा में डबल कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता। इस वर्ड को देखिए, टॉल ये कॉम्परेटिव डिग्री है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, और मोर अपने आप में भी कॉम्परेटिव डिग्री है, इसलिए ये मोर का प्रयोग नहीं होगा। होगा ही इज टॉलर देन आर, ही इज टॉलर देन आर। अब इस क्वेश्चन पे चलेंगे, इस क्वेश्चन पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हिज कार इज मोर बिगर, तो अपने आप में कॉम्परेटिव, बिगर अपने आप में कॉम्परेटिव है, तो मोर का प्रयोग नहीं, ऑप्शन नंबर होगा बी, मोर का प्रयोग नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर वन ऑफ माय अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका, लास्ट में है नोएडा। तो देखिए, समझिए बात, वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल अभाव सिंगुलर होता है, वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल अभाव सिंगुलर होता है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो अब इस क्वेश्चन पे देखिएगा, अगर हम देखते हैं वन ऑफ माय अंकल्स नाउन प्लूरल इज अ डॉक्टर वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर दिया गया है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। आंसर होगा नो एरर, आंसर होगा नो एरर, आंसर होगा नो एरर। वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, इसलिए आंसर होगा नो है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ही डॉट कार, देखिए सर, एक तो ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है, लेकिन आप इतना सोचेंगे तब आप सोचेंगे कि इतना कॉमन क्वेश्चन आता है, कॉमन एरर मतलब होता है सामान्य गलत, सोचते हैं तब गलती तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिएगा लिखा हुआ है He don't, he don't। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। ही इट बोलेंगे या ही इट्स बोलेंगे, ही इट लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, सही लिखना पड़ेगा ही इट्स, ही इट्स। इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो ही डोंट नहीं ही डजंट होगा, ही डजंट होगा, ही डोंट नहीं ही डजंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ई के साथ डू नहीं लगता, ई के साथ डजंट लगता, हमेशा लिखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंगल नंबर, वी डॉट की जगह पर डजंट। नेक्स्ट अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को देखिए, यस्टरडे आई एम एट, आई यस्टरडे आई मेट करा, आई मेट, देखिए यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल की बात हुई, और आई मेट करा इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे दिन के साथ पास्ट ही लगता है, सिंपल पास्ट लगता है। यस्टरडे है, आई मेट करा पास्ट है, तो आगे जितना भी सेंटेंस आएगा वो पास्ट का ही कोई ना कोई टेंस आएगा, आगे जो भी सेंटेंस आएगा वो पास्ट का ही कोई ना कोई टेंस आएगा, या ऐसा 90% होता है। तो देखिएगा, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन आई एम करा, आई एम करा, इस क्वेश्चन को देखिए, यस्टरडे आई मेट पास्ट है तो आगे भी पास्ट का ही होना चाहिए, तो व्हेन आई एम, एम का पास्ट होता है क्या, तो वाज, क्या होता है वाज, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब एक बार देखिए, एक को देख लेते हैं, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन
आई एम गोइंग टू द मार्केट, लास्ट में नो एरर, टू द मार्केट यहाँ पे सही है, लेकिन व्हेन आई एम की जगह आई वाज होगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट से शुरू है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट से शुरू है, आई वेंट है, तो आई एम नहीं आई वाज होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है नो सूनर वी एंटर्ड दैट वी ही गोट अप एंड लेफ्ट द रूम, और लास्ट में है नो एरर। देखिए नो सूनर आया तो एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, चलिए एक स्ट्रक्चर हम बताते हैं उसको आपको ध्यान में रखना। देखिए नो सूनर आएगा तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना, डेट या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन या बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, आप इसको ध्यान रखिएगा। नो सूनर आएगा तो सबसे पहले देखिएगा कंजंक्शन के रूप में देन है कि नहीं, टी एच ई एन देन, अगर इसके जगह पर टी एच ई एन दे दिया तो भी गलत हो जाएगा, इसके जगह पर वेन दे दिया तो भी गलत, मतलब नो सूनर आएगा तो इसके साथ कंजंक्शन के रूप में ध्यान लगेगा, देन या मेन अगर दिया तो गलत। दूसरा देखिएगा, अब देखिए दूसरा नो सूनर के तुरंत बाद पहले हैज बीन वर्ब होना चाहिए, प्रेजेंट में है तो डू या डज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पास्ट में ही आता है, तो अगर नो सूनर के तुरंत बाद क्या चाहिए, हैज बीन वर्ब डी दिया है उसके बाद सब्जेक्ट, नो सूनर के तुरंत बाद क्या चाहिए, हैज बीन वर्ब डी दिया है उसके बाद सब्जेक्ट, डिड आएगा तो वी वन और हैड आएगा तो वी थ्री, डिड आएगा तो वी वन और हैड आएगा तो वी थ्री, तो सबसे पहले नो सूनर निगेटिव वर्ड है और कोई भी सेंटेंस निगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर पहले डिड या हैड आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो क्वेश्चन पे देखिए तो यहाँ पर देखिएगा नो सूनर वी एंटर्ड वी थ्री दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे हैड No sooner had we entered, ऑप्शन नंबर होगा ए, क्योंकि दैट दिया गया है और आगे सिंपल बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब एक रूल देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, इस रूल को देखिए, नाउन आए प्लस ऑफ आए और उसके बाद नाउन आए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे, चाहे कोई भी नाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो पहले वाले नाउन के पहले डॉ अवश्य लगेगा, बाद वाला भी लगेगा तो भी सही, नहीं लगेगा तो भी सही, लेकिन पहले वाला में डॉ अवश्य रहेगा, यदि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो पहले वाले में डॉ का प्रयोग अवश्य करेगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो पहले वाले नाउन के पहले डॉ का प्रयोग अवश्य होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चले जाते हैं, कहता है द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द्वारा, पार्ट ऑफ द्वारा, तो यहाँ ऑफ आया, यहाँ पे क्या आया, ऑफ आया, ऑफ के पहले ये ईस्टर्न पार्ट को देखिएगा, इस क्वेश्चन में ईस्टर्न पार्ट को देखिएगा, ऑफ आया और ऑफ के पहले ईस्टर्न पार्ट दिया गया, इसका मतलब ईस्टर्न पार्ट नाउन है और नाउन है तो इसके पहले डॉ लगना चाहिए, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेप्शनिस्ट आस्क, वही बात, अब सेंटेंस आया पास्ट, सेंटेंस क्या दिखाया पास्ट में, तो आगे भी टेंशन पास्ट होगा, हु यहाँ पे डू लिखा हुआ, हु डू कर रहा है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि मी वाक्य का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए हु का प्रयोग, एक गलती तो ये, और एक पास तो सब पास तो डू होगा ही नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर लिख देंगे हुम आई वांटेड, हुम आई वांटेड, हुम आई वांटेड, एक पास तो सब पास पे भी बन जाएगा, डू के जगह पर डिड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो इसी में है, लेकिन सही जो होना चाहिए मी यहाँ वाक्य का ऑब्जेक्ट है, जब हु का प्रयोग मानव के लिए करेंगे जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, और हु का प्रयोग मानव के लिए जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पर मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट है इसलिए हु देंगे, तो यहाँ पे आई वांट देंगे, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रिमिनल
The criminal was sentenced to death. Was hung for crime. देखिएगा लिखा हुआ है The criminal was sentenced to death and was hung for the crime. देखिए एक वर्ड है हम, एक वर्ड होता है हैं, H A N G है. इसका दो मीनिंग होता है, एक तो लटकाना और एक होता है फांसी पे लटकाना. एक होता है लटकाना, एक होता है फांसी पे लटकाना. भी वन दोनों पास ही, लेकिन अगर भी टू अगर रखते हैं तो एच यू एन जी हम, और भी थ्री भी लिखे तो एच यू एन जी हम होगा भी थ्री. इसका भी टू लिखे तो एच ए एन जी ई डी हम भी टू लिखे, और इसका भी थ्री लिखे तो एच ए एन जी ई डी हम. जब भी क्वेश्चन आएगा ना दोनों को उलट उलट करके क्वेश्चन दिया जाएगा. जब लटकाने की बात हो, जैसे पंखा को लटकाने की बात हो, कुछ और चीज को लटकाने की बात हो, तो हम का प्रयोग करेंगे. P2 और P3 में परिवर्तन होता है, दोनों का विभव सेम ही रहता है. और फांसी पर लटकाने की बात हो तो यहाँ पर हैंगड का प्रयोग करेंगे P2 या P3. अब देखिए जब वस्तु की बात हो तो हंग का प्रयोग करेंगे, जब व्यक्ति की बात हो तो हैंगड का प्रयोग करेंगे. जब वस्तु की बात हो तो हंग का प्रयोग करेंगे, और जब व्यक्ति की बात हो तो हैंगड का प्रयोग करेंगे. जैसे अगर हम लिखे द Hang, watch, hung, hang. तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर hang की बात वस्तु की बात हो रही है, होगा the hang, watch, hung. अगर हम लिखे the criminal, watch, hung, तो ये सेंटेंस गलत है, सही होगा the criminal. Watch, hang. मतलब जब कोई वस्तु की बात हो तो हंग का प्रयोग करेंगे, जब कोई वस्तु व्यक्ति की बात हो तो हैंग का प्रयोग करेंगे. जब भी क्वेश्चन देगा उलट उलट करके देगा, ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए. आप देखिएगा इस क्वेश्चन में द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू डेथ एज वाज हंग का हंग का. देखिएगा क्रिमिनल कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर हैंग होगा, हंग के जगह पे हैंग होगा, ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं. अगला देखिए आपको बताया गया है अभी तुरंत, ही सेड प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट ही सेड प्रेजेंट कि पास्ट, सेड है पास्ट. अब पास्ट है, जब कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू होता है तो आगे आने वाला 90% सेंटेंस होता है ना वो पास्ट का ही कोई ना कोई टेंस होता है. तो आप देखिएगा ही सेड दैट ही विल, विल को अगर हम फ्यूचर में रखते, वैसे विल को फ्यूचर को हम पास्ट प्रेजेंट में ही रखें, और विल का पास्ट होता क्या है कुड, तो यहां पर होगा कुड. यहां पे क्या होगा कुड, विल का पास्ट कुड, इसलिए होगा कुड. ही सेड दैट ही विल नहीं ही कुड, क्योंकि सेंटेंस अगर पास्ट से शुरू हो तो आगे आने वाला सेंटेंस पास्ट का ही कोई ना कोई टेंस बनता है. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ही द विलेजर, द विलेजर्स प्लेड अवे. इस वर्ड को देखिए, एक वर्ड होता है फिलिंग, एक वर्ड होता है फिलिंग. इसका V2 होगा फिलिंग, ये V1 है, V2 और V3 यही है फिलिंग. अब ध्यान दीजिए फिलिंग का अर्थ होता है खाका, फिलिंग का क्या अर्थ होता है खाका. तो फिलिंग के साथ कभी अवे का प्रयोग नहीं होगा. अगर हम लिखते हैं ही फिलिंग अवे, तो ये सेंटेंस गलत होता है. ही रैन अवे बोल सकते हैं, ही रैन अवे बोल सकते हैं, लेकिन ही फिलिंग अवे नहीं हो सकते. मतलब फिलिंग के साथ अवे का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है भागना, इसलिए अवे का प्रयोग नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए. अगला मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वीमेन मोर देन ऑफन मोर देन मेन. अब देखिए तुलना करना है, और तुलना मैं का तुलना उमेर के मोशन सिकनेस से कर रहा है, मोशन सिकनेस कर रहा है. अब देखिए ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, मतलब वैसा चीज जो हमेशा सत्य रहता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है. जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, उसी तरह सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए अफेक्टिंग की जगह अफेक्ट्स होगा, अफेक्टिंग की जगह अफेक्ट्स होगा. मतलब मोशन सिकनेस अफेक्ट्स वुमेन मोर ऑफन देन मेन, मतलब मेन से ज्यादा जो है ना मोशन सिकनेस जो होता है गंभीर बीमारी का जो प्रभाव होता है वो वुमेन पे होता है.
क्या चीज पे होता है, वो मेन पे होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर होता है। अगला देखते हैं, नो इनपुट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रिफर्निशिंग न्यू रिफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टैंक्स। अब देखिए यहां पर कैश ऑन का, जबकि फायदा उठाने की बात हो तो ऐसा हो जाएगा कैश ऑन नहीं, कैश इन ऑन, फायदा उठाना। कैश इन ऑन एक भेद है जिसका मतलब होता है फायदा उठाना, ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैश इन ऑन, फायदा उठाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एलिगेंटली डिजाइन कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन इम्फेसिस। देखिएगा यहां पर इम्फेसिस एक वर्ड दिया गया, इम्फेसिस एक वर्ड दिया गया और इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है, इम्फेसिस के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी, इन विद की जगह पे होगा ऑन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज वर्स्ट पर, व्हाट इज वर्स्ट, आप हमेशा ध्यान रखिएगा व्हाट इज वर्स्ट मतलब व्हाट हो, इज हो या व्हाट हो, व्हाट इसके बाद पॉजिटिविटी होनी चाहिए, व्हाट इज या व्हाट, व्हाट इसके बाद पॉजिटिविटी, इसके बाद क्या आएगा पॉजिटिविटी, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन की बात नहीं हुई, बीच रखकर तो सोचते थे लेकिन व्हाट दिया गया, व्हाट इज वर्स्ट नहीं बैड होगा, व्हाट इज वर्स्ट नहीं बैड होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, व्हाट इज वर्स्ट नहीं बैड। नेक्स्ट देखिएगा, ए गुड डील ऑफ इट डिजर्व टू बी प्लंज्ड बैक इनटू द गेम, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कभी नो एरर, आंसर होगा नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोर लीजर एज वेल एज एंड अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन, और लास्ट में ऑटोमेशन लास्ट में नो एरर दिया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं फिर पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर दो सब्जेक्ट, अब देखिए यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज के द्वारा जुड़ा, एज लॉन्ग एज के द्वारा जुड़ा, एज मच एज के द्वारा जुड़ा, ए लॉन्ग विद के द्वारा जुड़ा, टुगेदर विद के द्वारा जुड़ा, तो आने वाला भाव का फैसला पहला वाला सब्जेक्ट करेगा। एक बार और सुनिएगा, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, एज गुड एज, एज मच एज, टुगेदर विद, ए लॉन्ग विद या कोई अन्य प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़ा हो तो भाव हमेशा प्रथम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो मोर लीजर यहाँ पर सिंगल है और सिंगल है तो भाव भी चाहिए सिंगल, यहाँ पर आर के जगह होगा एच, आर के जगह पर होगा एच, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, एवरी मैन वुमन चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट, देखिएगा ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, अभी हम तुरंत बताएं, देखिए इस वर्ड ऑफ हैबिट ऑफ दिया गया है, इस वर्ड को हम बताएं अभी तुरंत, नाउन आ जाए उसके बाद ऑफ आ जाए और उसके बाद नाउन आ जाए, नाउन आ जाए ऑफ आ जाए नाउन आ जाए, तो पहले वाले नाउन के पहले द अवश्य लगेगा, पहले वाले नाउन के पहले क्या लगेगा द अवश्य लगेगा, तो यहाँ पर हैबिट नाउन है और इसके बाद ऑफ है तो यहाँ पे द लगेगा, द हैबिट ऑफ, द हैबिट ऑफ, द हैबिट ऑफ, ऑप्शन नंबर होगा सी, द हैबिट ऑफ, ऑप्शन नंबर सी। अगला, द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड जुबिलेंटली व्हेन द चैंपियन रिसीव्ड हिज ट्रॉफी, अब इस वर्ड को देखिएगा, द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड जुबिलेंटली व्हेन द चैंपियन रिसीव्ड हिज ट्रॉफी, इसमें कोई एरर नहीं लग रहा, इसमें कोई एरर नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है, आंसर होगा नो एरर। अगला, द बिल्डिंग्स एडजेसेंट टू द रिवर्स, एक वर्ड आया है आगे
कंप्राइज इस वर्ड को लिखिएगा कंप्राइज। देखिए कंप्राइज इस वर्ड को लिखिए। देखिए कंप्राइज का प्रयोग जब एक्टिव में होगा तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, ज्यादातर इसके साथ ऑप्टी का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जब इसका प्रयोग एक्टिव में हो तो कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं। लिख सकते हैं दिस क्लास कंप्राइजेस 50 स्टूडेंट्स, दिस क्लास कंप्राइजेस 50 स्टूडेंट्स। और जब इस वर्ड का प्रयोग अगर पैसिव में होता है, कंप्राइज का प्रयोग यदि पैसिव में होता है तो इसके साथ ऑफ लगता है। जैसे अगर इसी सेंटेंस को अगर पैसिव में लिखे दिस क्लास इज कंप्राइज ऑफ 50 स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज कंप्राइज ऑफ 50 स्टूडेंट्स। इसलिए जब इसका प्रयोग एक्टिव में हो तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, कंप्राइजेड ऑफ नहीं कंप्राइजेड इन सेंटेंस का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एनी ऑफ द फाउंडेशन, देखिए इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज, इस वर्ड को देखिएगा थोड़ा गौर से देखिए इस वर्ड को, इसी वर्ड का इंतजार। अब देखिएगा इफ के साथ सब्जेक्ट चाहे कुछ भी भाव हमेशा रियल रहता है वाज में। जैसे अगर हम लिखेंगे इफ आई वाज अ बर्ड तो ये गलत है, सही बात। इफ आई वेयर अ बर्ड मतलब इफ के साथ सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो भाव हमेशा रियल लगता है वाज में। तो यही बात है, इफ के साथ सब्जेक्ट कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव हमेशा वियर लगेगा वाज नहीं, वियर लगेगा वाज नहीं। तो यहां पर वाज की जगह पे वियर होगा, वाज की जगह पे क्या होगा वियर। इफ के साथ सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहेगा भाव हमेशा वियर लगेगा वाज नहीं। अब देखिएगा अगला बिटवीन यू एंड आई का, देखिए बिटवीन यू एंड आई का बिटवीन क्या है, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको दिखाना पड़े। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल, लास्ट में नो इडर। अब देखिए बिटवीन एक प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का आता है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद जब नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का आता है, तो बिटवीन यू एंड आई नहीं बिटवीन यू एंड मी होगा। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का रहेगा, बिटवीन यू एंड आई नहीं बिटवीन यू एंड मी होगा, यहां पर आई की जगह पे मी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला रियोस हाउ एवर डिड नॉट गेट सीट टू डिप्रेस हिम, यहां तक तो ठीक, आगे देखिए and made him to turn to non-violence, last one word no idea। आप देखिएगा यहाँ make एक word दिया गया, देखिए make होता है, let होता है, beat होता है, behold होता है, watch होता है। चलिए इसको आराम से पढ़ते हैं, let, beat, behold, watch, see, make। लेफ्ट बीट बिहोल्ड वॉच सी मेक इट इज के बाद दो ऑब्जेक्ट चाहिए, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री स्टार देके लिखेंगे। लेफ्ट बीट बिहोल्ड वॉच सी मेक इट इज को दो ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका प्रथम ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन रहेगा, प्रथम ऑब्जेक्ट क्या रहेगा नाउन या प्रोनाउन, और दूसरा ऑब्जेक्ट बियर इंफिनिटिव रहेगा। बियर इंफिनिटिव कहने का अर्थ है भी वन, बियर इंफिनिटिव कहने का क्या है भी वन मतलब बिना टू का भी वन। तो पहला ऑब्जेक्ट लेट बीट बिहोल्ड वॉच सी मेक के बाद दो ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका प्रथम ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन और दूसरा ऑब्जेक्ट बियर इंफिनिटिव, बियर इंफिनिटिव कहने का मतलब भी वन। अब देखिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, रायोस हाउ एवर डिड नॉट सीट टू डिप्रेस हिम एंड मेक हिम, प्रोनाउन आया पहला, पहला ऑब्जेक्ट क्या आया है प्रोनाउन, दूसरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव आ गया, जबकि इंपेरिटिव होना चाहिए इसलिए टू का प्रयोग यहां पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
एक बार और सुनिए, लेट बीट बिहोल्ड वॉच सी मे, इडीसी को दो ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका प्रथम ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन और दूसरा ऑब्जेक्ट बेयर इंपीटिव। तो मेक आया, आगे प्रोनाउन आया ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट बेयर इंपीटिव। बेयर इंपीटिव मतलब बीवन होना चाहिए, टू प्लस बीवन दिया है इसलिए गलत होगा, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I often wonder to whom Dutch are. और लास्ट में देखिए, a nation wants its greatest depth of gratitude. और लास्ट में नोवे, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक रूल हम बताए, सिंपल सा रूल, बहुत ज्यादा यूज होता है, डब्ल्यू एच वर्ड आर, तो सेंटेंस के लास्ट में देख लेना, सेंटेंस के लास्ट में देख लेना कि क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है। डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो सेंटेंस के लास्ट में देखना है क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है। अगर क्वेश्चन मार्क हुआ तो डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद भाव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यदि क्वेश्चन मार्क है तो डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद भाव, उसके बाद सब्जेक्ट, और फुल स्टॉप है तो डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भाव चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। I often wonder to whom Dutch करा। Dutch का नेशन, और एक और गलती देखिएगा, Dutch के बाद विमान आता है, वॉन्स करा, इसलिए विमान यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन एक रूल है, लास्ट में फुल स्टॉप। इस क्वेश्चन पे देखिएगा, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। हाँ, लास्ट में फुल स्टॉप है, इसलिए Dutch का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे होगा Dutch हट जाएगा, नेशन हो जाएगा, और whom के जगह पे to whom, Dutch के जगह to whom होगा। अगला, He tried to open the cane by a cane opener. सिंपल सी बात है। जब कोई देखेगा कि थोड़ा ऊपर कर देते, फिर आपको बताते और मनाए। चलिए अब इसी पे लिखने में देखिएगा, अगर एक होता है बाय और एक होता है लिए, ध्यान दीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बार बार आता है बाय और लिए। जब किसी कार्य का संपादन किसी मानव के द्वारा किया जाए तो बाय का प्रयोग, जब किसी कार्य का संपादन किसी मानव के द्वारा किया जाए तो क्या चीज का प्रयोग करते हैं, बाय। जैसे ए लेटर वाज रिटन बाय बाय, जब किसी कार्य का संपादन किसी मानव के द्वारा किया जाए तो बाय का प्रयोग, और जब किसी कार्य का संपादन किसी के मानव के अंग या औजार से करते हैं तो विद का प्रयोग। जैसे आई एम राइटिंग विद अ पेन, दूसरा वी सी विद आईज, हम लोग आंखों से देखते हैं। एक बार और सुनो, बाय और विद में अंतर, जब कोई कार्य का संपादन किसी मानव के द्वारा किया जाए तो बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे ए लेटर वाज रिटन बाय राम, लेटर किसके द्वारा लिखा जा लिखा गया था, तो राम के द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे। और जब किस कार्य का संबंध किसी के मानव के अंग या औजार से हो तो विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग विद अ पेन, पेन से लिख रहे हैं, यहाँ पर विद का प्रयोग होगा। वी सी विद आईज, हम लोग आंखों से देखते हैं, तो यहाँ पे विद का प्रयोग होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। ही ट्राइड टू ओपन द केन, केन को खोलने का कोशिश किया, बाय नहीं यहाँ पर विद होगा, क्योंकि यहाँ पे मानव नहीं, मानव के औजार आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर वन सी। अगला, यू एंड ही एम कर, देखिए यू एंड आई एम कर, सबसे पहले अगर एक वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन का फॉर्मूला 236 लगता है। फॉर्मूला 236 कहने का मतलब कि पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर थर्ड पसंद नहीं है तो पहले सेकेंड और उसके बाद फर्स्ट, थर्ड पसंद नहीं है तो पहले सेकेंड और उसके बाद फर्स्ट आएगा। और भाव हमेशा प्लुरल रहेगा, सिंगल का भी रहेगा, भाव हमेशा प्लुरल रहेगा, क्योंकि रूल होता है जब एंड के द्वारा जो सिंगल सब्जेक्ट आपस में जुड़ा जाए तो प्लुरल समझ कर प्लुरल हो जाते हैं। तो यू एंड आई कर रहा है और एम यहाँ एम की जगह पे आर होगा, एम की जगह पे क्या होगा आर, एम की जगह पे आर, भाव हमेशा प्लुरल, ऑप्शन नंबर बी। अगला, Pressed by his students, the principal suddenly said, "Past, संभवतः आगे past ही होगा। I am बर, देखिएगा I am लिखा,
एक तो पास्ट होगा पास्ट होगा, लेकिन आप नरेशन का रूल सुन लेते हैं, अगर फर्स्ट पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, प्रिंसिपल है सब्जेक्ट, इसलिए आई की जगह पर यहाँ पर ही होगा और एम के जगह पे वाच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में ही आंसर होगा, एम के जगह पे वाच और आई के जगह पे ही, तो ऑप्शन नंबर सी, चलिए यही पे ऑप्शन नंबर सी ही वाच। तो देखिए आज हम 1 से 26 तक क्वेश्चन किए हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।